नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। मैं किरण किसान, अभी हूँ मैं मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में, और ये हमारे क्रॉप डॉक्टर जी है, हमारे सहयोगी युवराज जी। ये फॉरेस्ट से है, मतलब थोड़ा परिचय करवा दीजिए, आप ही करवा दीजिए। जी सर जी, मैं युवराज भुयर मध्य प्रदेश बालाघाट से, मेरा गांव का नाम है कनकी, जो बालाघाट से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे है, और पहली बार यहाँ पर केले की खेती कर रहा हूँ बी किसान की पूरी गाइडलाइन के साथ में। मैं पहले एक्सर्विसमैन था, फौज में नौकरी किया, मैं 2014 में रिटायरमेंट आया, उसके बाद में अभी लगभग पिछले 5 साल से मैं बी किसान का वीडियो देख रहा था कि केला उत्पादन कैसे होता है और किसानों की आय बढ़ाने में मतलब कितना मददगार है केला। तो उस चीज़ को फिर मैंने अप्लाई करने की कोशिश की और पिछले साल प्लांटेशन किया था मैंने, अभी 1 साल हो गया। पिछले साल 11 अगस्त का प्लांटेशन है ये, जो अभी देखने के लिए आया है, विजिट करने के लिए। इसमें 2000 पौधे लगे हैं, जिसमें लगभग 250 पौधे की मॉर्टलिटी हुई थी, और उसके बाद में अभी लगभग 1760 पौधे अभी ग्राउंड पे खड़े हैं। तो जो मॉर्टलिटी हुई थी, तो अभी दूसरे पौधे कंद निकाल करके वो खाली पेच को फिलअप कर दिया है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आपने महाभारत में एकलव्य का उदाहरण सुना होगा, जो युवराज जी के देखते हुए एकलव्य जी का याद मुझे होती है, क्योंकि इन्होंने आसपास में कहीं पर भी केला नहीं होता पूरे 200-250 किलोमीटर के राज्य में, और इन्होंने केवल कहीं पर देखा नहीं, जो वीडियो के माध्यम से देखा, किसान पाठशाला यूट्यूब चैनल पर देखा और खुद प्रैक्टिकल करना शुरू किया। कुछ भी पता नहीं है ना, तो केले क्या उनका, उन्होंने कहीं केला के प्लॉट देखा नहीं, केला किस तरह का पेड़ होता है, किस तरह का उसे बंच लगता है, कोई जानकारी नहीं है, केवल वीडियोज़ के माध्यम से देखे और समय समय पर गाइडलाइन लेते रहे, और अभी उन्होंने केला लगाया है और मतलब अच्छा तरह से उन्होंने उत्पादन भी लिया। चलो अंदर देखते हैं। ये अभी 11 अगस्त और ये सितंबर, तो अभी तक ये उनका फ्लावरिंग अभी लग चुका है, कितना कटिंग हो चुका है लास्ट अभी लगभग 1.5 टन माल बचा हुआ है, बाकी तो निकल गया है। लगभग 15 क्विंटल माल बाकी है, 15 क्विंटल माल बाकी है, 15 टन माल बाकी है, 15 टन माल बाकी है। ओके ओके, ठीक है। तो इस तरह से पहली बार शुरुआत की है, लेकिन जैसी उनकी परिस्थिति है, जैसा यहाँ का वातावरण है, जहाँ तक उनको समझ में आया है, उस हिसाब से उन्होंने केला खेती की है। अभी देखा जाए तो यहाँ पर उस हिसाब के नज़रिए से अगर देखें तो बहुत ही अच्छा आपने मेहनत किया है यहाँ पर, मतलब जो प्रैक्टिकली किसान करते 20-25 साल से केला कर रहे हैं, और आपने पहली बार किया है बिना अनुभव का, बिना प्रैक्टिकली ज्ञान का, फिर भी आपने बहुत ही अच्छा उत्पादन लिया है। थोड़ी गलतियां हुई है, लेकिन आप सीखने के तौर पे जी, तो अभी सीख रहे हैं और अच्छा उसमें अच्छा कर सकते हैं और अच्छा आगे बढ़ोगे उसमें। पूरा उन्होंने पूरा का पूरा फॉलो किया है, पहले से ही, पहले दिन से ग्राफ उन्होंने रखा है 5x7 का, 5x9 का जिगजैग में वो भी। और देखिए, जैसा किसान पाठशाल हम बताते हैं, गोबर की पोटली वो भी नहीं छोड़ी उन्होंने, वो भी लगा के रखी। क्या है इसमें, क्या क्या है? ये मार्किंग है, ये मार्किंग भी है साथ में। हाँ, इसका स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। जैसे इसका बंच निकलता है, तो जब ये बंच निकलता है और हम फुल काटते हैं, मतलब पंजे रखते हैं, फाइनल रखते हैं, तो उस टाइम ये मार्किंग लगाते थे। तो इसका क्या होता है कि ये इस धागे की मार्किंग जो लगी हुई है पूरे इसमें, तो वो मार्क उस हिसाब से कटने में आएगा, तो जो काटने वाला है वो यही काटेगा। जो दूसरे कलर का है, जो मतलब बाद में आया है, वो नहीं काटेगा, वो नहीं काटेगा। धागे के कलर की बात कर रहे हैं आप? ये पहले कटेगा, ये बाद में कटेगा। अभी क्या, व्यापारी अगर आएगा और दोनों को एक साथ लेके गया, तो इसका वजन आएगा, इसका वजन नहीं आएगा। अगर इसका अलग ही, इसका 20 किलो आ रहा है और इसका 15 किलो आ रहा है, तो 5 किलो का आपको नुकसान हो गया। ये अगर एक हफ्ते में अभी आ रहा, तो एक हफ्ते में उसका 5-7 किलो वजन बढ़ता है, तो ये आपका नुकसान, इसलिए मार्किंग जरूरी है। इसमें गोबर, इसमें क्या क्या रखे हैं? इसमें खाली गोबर है, गोबर और वायसोनमेट है। वायसोनमेट क्या है? ये अपना सुक्रोज है, जैसा इंसान को ग्लूकोज की जरूरत होती है जी बीमार पड़ने के, वैसे ही पेड़ पौधों को सुक्रोज की जरूरत होती है। अच्छा, और इसमें सुक्रोज का पाउडर मिलाते हैं। अच्छा, 10 किलो गोबर में 100 ग्राम फाइसोनमेटा डालते हैं, और इसकी 50-50 ग्राम की पोटली बांधते हैं। इसका ये फायदा होता है कि जो आप केला काटते हैं, तो यहाँ पे खुला हो जाता है, तो ऊपर से इसका जो पोर्शन होता है वो यहाँ से होता है, तो ऊपर के साइड के केले बड़े होते हैं, नीचे के छोटे छोटे रह जाते हैं, तो यहाँ पर उनका और उसके नीचे से भी खाना मिले इसके लिए।
तो ये साइज लगभग नीचे तक मोटा नीचे तक भी आती है। वही चर्चा कर रहे थे हमने, हमारे पास ये छोटी छोटी चीजें है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप आप जैसे करते जाओगे वैसे समझ में ये भी उसी का है ये इसको नहीं इसको अच्छा इसको बांध के नहीं नहीं क्या है पहले पहले जो जब हमने क्या किया था इसके लिए जब फ्लोरिंग चल रही थी तो हमने निशान के तौर पे इसको बांध दिया और फिर यही वाली रस्सी छोड़ करके यहाँ पर बांध देते हैं। अब वो रस्सी एक्स्ट्रा रही होगी तो इसको नहीं छोड़ा होगा, इसको बांध दिया ऐसा किया। इधर बेड बना है तो यहाँ से बेड है, यहाँ से बेड बना है और ये लाइन से लाइन 5 फीट रखी है, लाइन से लाइन 5 फीट है और पौधे से पौधा 9 फीट है, झिकझक में आमने सामने पौधा नहीं है, क्रॉस में इसलिए क्या होता है आमने सामने अगर रहे तो दोनों पत्ते एक दूसरे को टच होएंगे, फिर अगर इसको बीमारी आए तो उसके भी जाएगी, ये नुकसान होता है। और दूसरा क्या है कि सूरज की रोशनी वो पूरी तरह से नहीं मिल पाती, नीचे के पत्तों से ढके हुए रहते हैं, अगर स्पेस में दिया तो इसको जगह मिली इसको जगह मिली जी। और इसके पत्ते के झुका के यानी ये अभी पुराने पत्ते हो गए, अच्छा नहीं इसको झुका इसको काटने काटने जब से शुरुआत से पत्ता निकला तब से आपको एक भी पत्ता नहीं काटना। आप देखो नीचे से शुरुआत से जो पत्ते आए ये स्वेटर का भी काम करते हैं, गर्मी में भी ये इसको बचा तने को बचा करके रखेगा और ठंडी में भी तने को बचा कर रखेगा। इसका उदाहरण ये दिख रहा है आपको कि पौधा देखो अभी 45 डिग्री से भी नीचे आ गया है लेकिन पौधा टूटा नहीं है। बोलते ना कि बोला पौधा टूट जाता है, तो वही वो वही चर्चा कर रहे थे हम ना, वो चक्कर ये है वो ये इसका फायदा है, बाहर वाले उसका फायदा है, जो नेपियर घास बोल रहे ना ये उसका फायदा है। अच्छा इसमें नए क्रॉप लगाने की जरूरत नहीं है, अभी नए क्रॉप लगाने की जरूरत नहीं है, साइड में ये है ये आप कंटिन्यू कम से कम 3 से 5 साल चला सकते हो। जैसे मान लो अपने ये पौधे का फसल काट ली मान लो है ना, इसको कट कर देना जड़ से, इधर देखिए यहाँ पर आइए यहाँ पर आप जैसे ये कट कट गया है हाँ। ये पौधा अभी खड़ा रहेगा, इसके पत्ते काटे नहीं है, इसके 3 से 4 पत्ते काट देंगे ये पूरा रिवर्स होकर क्या है पूरा खाना इसको देगा। हाँ ये इसका एक पेड़ छोड़ दिए है, क्या है ये पूरा पश्चिम ये है पूरब है ये पश्चिम है ये उत्तर और दक्षिण, तो अभी अपना प्लॉट पूरा पश्चिम है तो हमने इसको पूरब की तरफ छोड़ा है, पश्चिम दिशा में नहीं छोड़ा है क्योंकि जब बंच निकलता है तो ये आता है पश्चिम दिशा में, देखो आप पश्चिम या दक्षिण में आता है ये, दक्षिण दिशा में आएगा या पश्चिम दिशा, यदि ये पेड़ यहाँ पर छोड़ देते अपन तो इस पेड़ को डिस्टर्ब करता है, इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ा। हाँ ये सब कटिंग हो जाएंगे, अभी काट देंगे इसको बाद में, यानी एक ही रखना है वहाँ पे, सिर्फ एक ही एक ही रखना है और इसके केवल 2 पत्ते रखने, इसके सिर्फ 2 पत्ते रखने, तो ये कंपोस्ट होता होते जाएगा धीरे धीरे और इसने जितना खाया पिया है बच्चों को देंगे, अभी काट देंगे तो ये आधे से आधे खर्चे में आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद में 1 रुपए का खाद नहीं देना है अपने को, और खाद दोगे तो आपका एडिशनल वेट बढ़ करके आएगा, और खाद नहीं भी दोगे तो अभी इस साल जितना यदि 20 किलो का बंच आया है तो अगली बार ये लगभग 25 किलो का बंच ये बगैर खाद के देगा। ये आपकी पहली क्रॉप थी क्या? ये पहली क्रॉप है। 1 एकड़ में कितने पौधे रखते हैं? 1 एकड़ में 968 पौधे रहते हैं, 1000 मान के चलो, 1 एकड़ में 1000 युवराज जी थोड़ा बंच मैनेजमेंट आपको अच्छी तरह से करना पड़ेगा जी, बारिश खत्म हो जाएगी जी थोड़ा क्लीन करवा लीजिए जी वो और बेटर आएगा, क्योंकि ये प्लॉट आपको कम से कम 5 साल चला, 5x9 का रखा है जी, तो स्वच्छता रखिए, बाकी तो कोई आएगा नहीं, आएगी नहीं ज्यादा, अभी बरसात में तो कम दिख रहे थे, अभी थोड़ा ये स्पेस हुआ है ना सर उसके चक्कर में घास दिख रहे थे, ये लगभग साफ हो गया था पॉलिसी वगैरह। कितना किलो का आ रहा है आपका? अभी एवरेज आ रहा है 23 किलो का, 23 किलो अच्छा कभी 25 किलो। अभी किधर का पौधा रखोगे आप? अभी ये वाला रखेंगे, इस साइड इधर का ही ये वाला रखना, उधर के वो सब छूट जाएंगे, बड़ा भी रहेगा छूट जाएगा, क्योंकि ये जब कट जाएगा तो ये अपने आप इतनी स्पीड से चलेगा कि बाकी पौधों को मैनेज कर लेगा, यानी कटने के बाद में इसमें 2 पत्ते रखना है। हाँ 2 पत्ते तो रिवर्स टेक्नोलॉजी लेगा, रिवर्स टेक्नोलॉजी से वो पूरा कुछ के निकाल दिए हैं अपन, जो टाइम मिलता गया जैसे मैं आ गया देखा जो खाली पेड़ है उसको निकाल करके बिछा दिए। अच्छा इसका जो वेस्टेज है ये कहीं दूसरे कुछ काम कहीं डालना सब यहीं पर डालना, बेड के ऊपर ही डालना है, बेड के ऊपर डालना है ताकि वो कचरे को खाद का भी काम करेगा वो, और आपको दूसरे खाद की एडिशनल खाद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसके बाद में फिर। अच्छा ये ड्रिप से लगा है जी, केले में देखा जाए मैं बोलता हूँ कि केवल 3 महीने तक मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी फिर आराम से घर बैठो
पानी आके पानी चलाओ और करो, उसके बाद में अपने एडिशनल जो भी काम है आप पूरे काम कर सकते हैं। आप यदि डेली बाहर काम पे जाना अच्छा, इसमें शुरुआत से लेकर के जून तक लगभग 5 बार हमने मतलब हाथ से हसिया से घास की कटिंग किया था। इसमें ग्रास कटर से भी कर सकते हैं, ग्रास कटर नहीं, ग्रास कटर से करोगे तो आपकी जो जड़े रहेगी नीचे ऊपर से काटते नहीं, ग्रास कटर ऊपर से काटते हैं, नहीं ऊपर से भी काटता है, कभी कभी वो जाते तो पेड़ को भी नुकसान पहुंचता है। ग्रास कटर घूमने वाला है? हाँ हाँ, नहीं घूमने वाले दोनों प्लेट आती है, तो जो घूमने वाला है चक्र वाला नहीं, कभी कभी वो गलती से क्या होता है वो घास कटिंग चलाने वाला यदि पौधे को मार दे तो वो पौधा खराब हो जाएगा हमारा, प्लांट तो उसका रिस्क नहीं लेना। ये पूरा 2 एकड़ का 2000 पौधे जी। एक्चुअल क्या है कि आपने जो पील यहाँ पे रखा ना ये थोड़ा सा लेट रखा, लेट हाँ, क्योंकि क्या है कि अगर हम 5x9 पे लगाते ना तो हमको 5 और 6 महीने में रखना चाहिए था, तभी ये 5x9 को हम एक्चुअली जो लास्ट वाला प्लॉट है ना ये क्या थोड़ा सा मतलब उस समय धीमे चल रहे थे पौधे, तो उस समय मैंने लगभग 2 से 3 बार जो यूरिया डीएपी और पोटास का जो ड्रंचिंग था वो 3 बार लिया तब जाकर के इतना है। उधर के पौधे का जो साइड का जो सकर है वो लगभग 6 महीने में आना शुरू हो गए थे, तो उनका मैनेजमेंट मैंने किया था, तो वहाँ के पौधे आपको लगभग इस हाइट का मिलेगा अभी। अच्छा। ये मान के चलो कि उस पौधे में 3 महीने बाद में फ्लोरिंग शुरू हो जाएगी उसमें। अब इसमें फ्लोरिंग नहीं है? हाँ, नहीं उसमें नहीं आई है, इसमें 3-4 पौधे हो गए, किसमें निकल गए हैं 6-7 महीने, कट गया है वाला बंच, फील्ड रख सकते हैं, कट गया है अगले 6-7 महीने कट गया है, यहाँ से कट गया है, यहाँ से कट गया है, समय नहीं है अभी, अभी मैनेजमेंट नहीं किया, अभी सब कटिंग वटिंग चल रही है, तो इसके बाद में फिर एक बार सब कटने के बाद पूरा क्लीन करवा ले, पूरा क्लीन हो जाएगा, जो अभी अव्यवस्थित टाइप का दिखाई दे रहा है ये कुछ नहीं मिलेगा। और एक बार नाली निकाल लेना, नाली और बनाना पड़ेगा, अभी वो पानी के कारण भर गई है नाली। देखिए यहाँ पर इस तरह का उनका प्रोडक्शन आया है, दिन ज्यादा हो गए थोड़े, वो कटने का वो खुद ही सेल कर रहे हैं, खुद सेल कर रहे हैं, 50 नहीं आ रही क्या वो वाले पांच में क्या होगा आपका ये जो पील बाग है वो आप 1 साल बाद पहला पूरा कटने के बाद जितना अगर आप बढ़ाओगे पूरी नमी चाहिए उतना हो 6-6 महीने में आप रख सकते हो और हर 6-6 महीने में कटिंग ले सकते हो। उसके बाद ये वाला पौधा अभी लगभग 3-4 महीने और ग्राफ हम बोलते हैं कि 5x7 के ऊपर ही जाना। अच्छा 5x7 के ऊपर है क्योंकि 5x5 केवल 1 साल तो चलेगा आपका, दूसरा उसमें अच्छा नहीं आएगा। 5x7 ये पौधा लगभग 5x7 के ऊपर लगभग 5 महीने का होगा, 4 से 5 महीने कम से कम 5x7 तो रखना है, उसे ऊपर ले सकते हैं, ये 5x9 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 5x9 में आप 6 महीने में छोड़ सकते हैं, 1 साल की प्लानिंग नहीं करनी है, कम से कम 3 से 5 साल की प्लानिंग करनी है, तो 5x7 5x8 5x9 रख सकते हैं। और फिर अभी भी किसान ग्रुप तो ये भी बोल रहा है, जैसे बलराम जी बोल रहे थे कि बोला आप 5x10 या 5x12 लगाते हैं तो और ज्यादा बेस्ट है, बहुत उसमें प्रीमियम केला बन करके आएगा। पौधे कम आएंगे, पौधे कम आएंगे, प्रोडक्शन अच्छा होगा, 5x7 से भी कर सकते हो, 5x8 भी करो, बहुत ही अच्छा रहेगा, ये भी सही है, 5x9 भी बेस्ट ग्राफ है, बेस्ट ग्राफ है, चलाओ आराम से, साइज बहुत जबरदस्त है। अच्छा इसमें मिट्टी का कोई ऐसा इशू तो नहीं है क्या कि फलानी मिट्टी पे ये मतलब? नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, केवल पानी रुकना नहीं चाहिए, बस इतनी ही आपको पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी का घंटे के दो घंटे का निचरा अच्छा होगा उतना केला और बढ़िया। नहीं अभी जैसे हॉर्टिकल्चर में एक योजना आई है, अब हॉर्टिकल्चर वाले प्लाट ढूंढ रहे हैं, किसान ढूंढ रहे हैं कि अपन उनको केला लगवाएंगे क्या, अब पता नहीं अब कौन से कंपनी से मतलब कहाँ से देते हैं केला कैसा क्या है, तभी चल रहा है अभियान। अभी जैसे इनके पास में अभी बी किसान के पास में मेरे पास में जो प्लाट लगा हुआ है ये 4th साइकिल का पौधा है, अब इसमें साइकिल भी समझाएंगे तो मतलब टाइम लग जाएगा उसमें, और मतलब सिंगल साइकिल का बाकी तो मिलेगा आपको पौधा कैसे भी मिल जाएगा, लेकिन आपको ज्यादा जरूरत है गाइडलाइन मार्केट जितना सपोर्ट करेगा, पौधे के हिस्से में पानी नहीं रहा और नाली में भी पानी रहा तो इसलिए तो नाली निकालने को बोलते हैं, नाली में भी पानी ठहरा, नाली में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नाली गहरी करनी है नाली से निकल जाता है पानी, जहाँ पानी ठहरता है वहाँ नाली, ये जो बेड है आपका बेड पे मतलब पौधे के हिस्से में नहीं ठहरना चाहिए, इसके आसपास में पानी नहीं चाहिए, गर्मी में बहुत ज्यादा पानी लगता है,
पानी ज्यादा लगता है लेकिन समय समय पे लगता है, ऐसा एक जैसी नहीं जाएगी पानी, मतलब ऐसा भर के रखते वैसा नहीं चाहिए। जी जी 120 हाँ, जैसे पौधों में देते हैं, ड्रिप से चलता है तो नमी रहना चाहिए, हर दिन दो दो घंटे भी चलाओ तो भी अच्छा केला बनता है, 2 से 3 घंटे केवल नमी रहनी चाहिए, वो आपका कंडीशन रहना चाहिए। अपन सर जनवरी फरवरी मार्च कभी महीने में लगा सकते हैं, कभी भी लगा ज्यादा फोम भी लेकर के आना है। हाँ, दिसंबर जनवरी फोम वो 6 बंडल देंगे, वो छोड़ना है और ज्यादा गर्मी 6 बंडल देंगे मार्च 15 महीने से 15 के अंदर ही डाल के डाले ना, और वो 2 कैरेट को बांध लेना भाई एक्स्ट्रा, उससे जून के बाद लगा सकते हैं, जुलाई में समझ। हाँ, जून जुलाई बहुत ही बढ़िया। नेचुरल क्लाइमेट अच्छा रहता है तो शुरुआत से भगने लगता है, ग्रोथ अच्छी होती है। अपन जैसे दिसंबर में लगाए तो सर दिसंबर में आपके इधर ठंड आती है, जैसा पौधा छोटा रहेगा और उसके ऊपर इधर पाले पड़ गए तो रुक जाता है, खत्म हो जाएगा। नवंबर में करेंगे, पाले की समस्या तो नहीं है बच्चों, नवंबर से बेटा नवंबर अक्टूबर में पहले कीजिए, नवंबर से 15 नवंबर से पहले कीजिए। अच्छा, पहले थोड़ा 1-1.5 महीने का हो जाएगा तो सेंड कर दीजिए, या फिर फरवरी बाद लगाए दीजिए। ग्रैंड नाइन वैरायटी चलती है, जो देसी वैरायटी है लेकिन वो सीमित, बहुत ही सीमित है, उसका शुद्ध बीज भी मिलना नामुमकिन है ज्यादा, और वो हाइट छोटी रहती है, मार्केट भी नहीं रहता है। पत्ते के रूप में आता है, कंद आता है, इतना पौधा आता है, इतना बड़ा पौधा आता है। अभी ट्रिप दिखा दूंगा मैं जिसमें आया था, जलगांव से लाते नहीं, ये हमारा गुजरात में तैयार होता है। तो 3 जगह है, एक नासिक में है इनका प्लांट, एक गुजरात में है और एक त्रिवंतपुरम में, 3 है टोटल इंडिया में, 3 ही प्लांट, और यही एक कंपनी है जो साइकिल का पौधा बना के दे रही, नहीं तो सब 7-8-9 साइकिल का पौधा। पूरे भारत में एक बात बता रहा हूँ कि पूरे भारत में हम ही है, केवल किसान को आते तक गाइडलाइन देते हैं, उनके प्लांट भी विजिट करते हैं, बाकी कोई कंपनी नहीं, बाकी सब पौधा बेचते हैं बस। और इनका कहने का, बी किसान का कहने का मतलब ये है कि मतलब एक बार पौधा खरीदो और उसके बाद में पौधा जिंदगी में दोबारा खरीदना ही नहीं है, वो भी किसान बोलता है, और बाकी कंपनी यही बोलती है कि पौधा खरीदो 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 लगाओ, ठीक है 1700-1800 पौधे लगाओ 1 एकड़ में, और फिर अगले साल फिर खरीदो, तो उसमें किसान वो खर्चे में चलते पे लगाओ, केवल 1200 पौधे लगाओ, 1000 पौधे लगाओ और सालों साल चलाओ। जैसे आपने बताया इसको 3 साल बाद खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होता, नहीं खत्म नहीं, आप करोगे चलता रहेगा, जितना आप चलाओगे उतना चलता रहेगा। तो नई क्राफ्ट की जरूरत नहीं, उसी को बढ़ा देना, उसी को बढ़ा देना, अच्छा मैनेजमेंट करो, उसे सिपिंग होते रहेगा ना। ये क्या है, अभी ये आपने यहाँ पर लगाए तो लगभग 1 फीट का दायरा या जितना दायरा है, तो हर साल मतलब हर क्रॉप के बाद में आपका प्लॉट 1 फीट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर यदि ये प्लॉट एक बार शिफ्ट हुआ उधर, तो उधर जैसे आपकी जगह बच रही है तो आप उधर यहीं से एक कंद निकाल करके, नहीं कंद निकाल करके उधर डाल दो आप एक कंद उधर से, तो फिर उधर से फिर शुरू हो जाएगा, हाँ फिर चलता रहेगा। एक ही बार पौधा खरीदना है, उसके बाद में दोबारा पौधा खरीदने के पौधे के पीछे पैसा लगाना ही नहीं है अपने को। और बाकी जो भी यदि समस्या आती है तो फिर अब ये तो बैठे ही हैं, है ना, हमारे माई बाप, उसके बाद में हम हैं, जो छोटी मोटी गाइडलाइन की जरूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल। थोड़ा ये थोड़ा दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ पे ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, ये थोड़ा अगर 20-25 एकड़ में बढ़ जाए तो कोई भी बड़ा व्यापारी यहाँ पे आएगा। अच्छा, तो बड़ा क्योंकि अभी इनका एक ही प्लॉट है, और तो बड़ी व्यापारी अगर सोचेगा कि 2-3 एकड़ में है, मेरी गाड़ी का लोड हो नहीं पाएगा, तो मैं क्या कमाऊँ और इनको क्या रेट दूँ, अपने मार्केट है पास में, ज्यादा भटकने की भी हो जाएगा ना, जा रहा है लेकिन समस्या हो रही है अभी, समस्या ये है कि वो व्यापारी नखड़े कर रहा है ना, वो बाहर से माल बुलवाते हैं, इनको लोकल माल खरीदने की बात हुई है ना, किसान को आगे बढ़ने नहीं देना यहाँ का, और यहाँ का किसान ने यदि कुछ करने की कोशिश किया तो बोला हमारा मार्केट डाउन हो जाएगा, तो अभी इसके लिए भी रास्ता निकाल लिया है, अभी चेंबर बनाने वाला हूँ मैं, कम से कम 3 चेंबर रहेंगे अभी, रैपिंग चेंबर, बहुत बढ़िया। तो अपने किसानों का जो केला है अपन ही खुद पकाएंगे और अपन ही खुद बेचेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि जो 2 पैसा चेंबर वाला भी कमाएगा 2 पैसा, और जो किसान का जो माल है वो भी 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाएगा, सही रेट उसको, ठीक है सही रेट उसको भी मिलेगा, क्योंकि केला बढ़िया बन के जाएगा तो वो 50 रुपए का बेचेगा, अपन 40 रुपए का बेचेंगे, हमारे साथ में कंपटीशन नहीं कर सकता, हमारे पास देखो 40 रुपए का बेचेगा तब भी हम फायदे में रहेंगे, हमारा तो किसानों का तो ये है कि यदि 12-15 रुपए का भी रेट मिलता है तो बहुत बेस्ट है और अच्छा है, मतलब नुकसान नहीं है इसमें,
दूसरे साल आपका खर्चा पूरा आधा हो जाता है और दूसरे साल तो टोटल खर्चा आधा हो जाएगा। हम 30 भी दे तो हमको नुकसान नहीं, तो 30 भी नहीं पैदा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तुमने खरीदा है, खरीदा है तो तुमको नुकसान, वो हमसे कंपटीशन नहीं कर सकते किसान से। जलगांव में देखा था मैंने, केले का जब पौधा तैयार करते हैं ऐसा लगता है कि जैसे माँ के पेट में जो बच्चा पैदा होता है जी जी, सेम पलता है जी, सेम वैसी पलता। बिल्कुल, बहुत मेहनत है जी शुरुआत में, किसी प्रकार का वायरस नहीं जाएगा, किसी प्रकार की हवा नहीं जाएगी। और उसके बाद 3 महीने के बाद में वो फिर उसको पॉलिथीन फिट करते हैं, और फिट करने के बाद में फिर वो क्या जैसे हॉर्टिकल्चर में आ गया जी, तो हॉर्टिकल्चर में किसानों को जैसे बताया ना उत्साह बढ़ाने के लिए बोले काम करो टिश्यू केला निःशुल्क ले जाओ, तो वो निःशुल्क जो जिसकी कीमत नहीं होती जी, उसकी गारंटी भी नहीं होती, नहीं गारंटी नहीं उसकी वो कहना चाहिए अहमियत नहीं जानी जाती है। और जो पैसे से लेते हैं तो उसकी अहमियत होती है। इसलिए यहाँ पर भी अभी जो किसान अभी कुछ लोग आए मेरे पास में, तो अभी लगभग 5,000 पौधे का डिमांड है। मैंने कहा कंद तैयार करके दूंगा मैं आपको 5,000 पौधे, तो उनको यही बोल दिए भाई फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है पैसा लगेगा और तो वो अच्छी तरह से जब तक पैसा है तो उसके पीछे वो मेहनत करेगा, यदि पैसे नहीं देगा तो उसकी केयर नहीं करेगा और दूसरी बदनामी हमारी करेगा, वो कहेगा मेरा क्या गया है ना, मेरा क्या गया। तो यहाँ पर मतलब टोटल।